ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने कहर बरपाते हुए 53 रन पर 5 विकेट लेकर भारत को दूसरे वनडे में रविवार को 26 ओवर में मात्र 117 रन पर समेट दिया है। मिचेल स्टार्क के पंजे के कारण भारतीय टीम अपने घरेलू जमीन पर अपने सबसे कम स्कोर पर सिमट गई। स्टार्क ने पहले भारतीय शीर्ष क्रम को झकझोरा और फिर मोहम्मद सिराज के विकेट के साथ पंजा खोला। भारत के लिए सिर्फ विराट कोहली ही 30 के आंकड़े को पार कर पाए। अक्षर पटेल ने 29 रन बनाए लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला। शॉन एबट और नेथन एलिस ने स्टॉक का बखूबी साथ दिया और क्रमशः 3 और 2 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का सही फैसला लिया। स्टॉक ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को 0 पर आउट करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। स्टॉक ने रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और पिछले मैच के हीरो रहे केएल राहुल को 9 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन की राह दिखाए। उसी के साथ ही सूर्य कुमार यादव लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हो गए।